देवरा पार्ट 1 सिनेमा घरों में 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का काफी बज था। बड़े पर्दे पर दस्तक देते ही जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म को पहले दिन देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों में उमड़ पड़े। इसी के साथ देवरा पार्ट 1 की बम्पर ओपनिंग हुई। वहीं ओपनिंग वीकेंड पर जब फिल्म ने 160 करोड़ कमा लिए तो हर किसी को लगने लगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार नोट छापेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दरअसल पहले हफ्ते में ही फिल्म टिकट काउंटर पर संघर्ष करती हुई नजर आई। अब तो देवरा पार्ट 1 के लिए चंद करोड़ कमाने में भी पसीने छूट रहे हैं। चलिए जानते हैं जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन कितनी कमाई की है। देवरा पार्ट 1 ने 14वें दिन कितनी कमाई की? जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 काफी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की अच्छी शुरुआत भी हुई थी, जिसके बाद लग रहा था कि ये फिल्म अपना बजट वसूलने करने के साथ ही मेकर्स को मालामाल कर देगी। हालांकि पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की चाल बिगड़ गई और इसका कलेक्शन भी हर दिन घटना शुरू हो गया। देवरा पार्ट 1 अब बॉक्स ऑफिस पर बेहद निराशाजनक परफॉर्म कर रही है। वहीं 300 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए अब लगभग 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं और ये अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई। फिल्म की कमाई की धीमी रफ्तार को देखते हुए तो अब ऐसा लग रहा है कि इसका बॉक्स ऑफिस पर से अब बोरिया बिस्तरा सिमटने वाला है। इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो देवरा पार्ट 1 ने पहले हफ्ते का कलेक्शन 215.6 करोड़ रहा था। फिर सेकंड फ्राइडे इस फिल्म ने 6 करोड़ कमाए। सेकंड शनिवार की कमाई 9.5 करोड़ रही। इसके बाद दूसरे संडे देवरा पार्ट 1 ने 12.65 करोड़ रुपए, दूसरे सोमवार 5 करोड़ रुपए, दूसरे मंगलवार 4.65 करोड़ रुपए और दूसरे बुधवार 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं अब फिल्म की रिलीज के दूसरे गुरुवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक देवरा पार्ट 1 ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 3.50 करोड़ की कमाई की थी। इसी के साथ देवरा पार्ट 1 का 14 दिनों का कुल कलेक्शन 260.90 करोड़ रुपए हो गया है।